हेलो मोडीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी मोडी का। तो आज मैं इस वीडियो में मारने जा रहा हूँ वार्डन को। सो या लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। ओके गाइस, सो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज। तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि 6 कॉलरन्स है एंड मैंने पाउडर स्नो कलेक्ट किया है उसमें, एंड फिर मैं उसे कलेक्ट कर रहा हूँ अपने बकेट्स में। एंड अब मैं जाता हूँ नीचे। बाय द वे, आप सभी को हैप्पी चैत्र नवरात्रि। एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने भी एक दुर्गा माँ का मंदिर जो बनाया था उसमें मैंने कलश स्थापना किया है। सोया मैं भी गंगा नदी में नहा लेता हूँ एंड मैं चलता हूँ मंदिर की तरफ। तो सबसे पहले आप लोग कर लीजिए शिवलिंग के दर्शन। तो चलिए अब मंदिर की उस तरफ बढ़ते हैं। सो मंदिर में जाते हैं। जय माता दी। सो देख सकते हैं ये रहा कलश। यहाँ भी कलश की स्थापना हुई है क्योंकि अभी चल रहे हैं नवरात्रे। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये पूरा मंदिर। एंड या सो अब चलते हैं वार्डन को मारने के लिए। ओके गाइस, सो मैं चंक बेस की हेल्प से ढूंढते ढूंढते आ चुका हूँ इस डीप डार्क वर्ल्ड में। वैसे वहाँ पे कुछ जॉम्बीज थे जो मेरे जाते ही डिस्पॉन हो गए। वेल मुझे यहाँ पे डायमंड्स मिले सो मैंने उन्हें ले लिया क्योंकि डायमंड्स को तो मैं छोड़ नहीं सकता। सो मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस। आप देख पा रहे होंगे कि इस केव में कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने नाइट विजन का पोशन लिया है इसीलिए मुझे साफ साफ दिख पा रहा है, नहीं तो अभी तो मुझे रतौंधी हुई हुई है। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मुझे वार्डन की एंशियंट सिटी को ढूंढना होगा। यहाँ पे तो बस स्कल सेंसर्स है। सो चलो कोई बात नहीं। ओके सो इधर एक और डायमंड है सो मैं इसको भी माइन कर लेता हूँ। वैसे आजकल मुझे डायमंड माइन करने में डर लगता है, पता है क्यों? अगर नहीं पता है तो जाकर मेरी 100 डेज इन सुपर फ्लैट वर्ल्ड इन क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग वाली वीडियो को देख लो, आपको उसकी लिंक आई बटन में दिख जाएगा। से अब इस केव में पता नहीं कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, बस चारों ओर लावा ही लावा है। एंड इस लावा के समंदर में एक लावा पे तैरने वाला मुसाफिर बनना होगा मुझे शायद। वैसे उसके लिए तो मुझे ऑब्सीडियन के आर्मर चाहिए कि मेरे पास है नहीं, बस नेदराइट के आर्मर है। सो मुझे मिल तो नहीं है एंशियंट सिटी, सो आई थिंक मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। मुझे थोड़ा और चंक बेस को एक्सप्लोर करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ढूंढ लेता हूँ, शायद कोई चमत्कार ही हो जाए। हो सकता है वार्डन चचा का दरवाज़ा इन गुफाओं में, काली गुफाओं में प्रकट हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था गाइस, मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी। बट या मैं वार्डन के इस एंशियंट सिटी में पहुंच चुका था। सो या मैंने एंडर चेस्ट भी बना ली थी घर जाके, एंड मेरे पास आ गए एक एंडर चेस्ट एंड फिर मैं कूद गया इलाइट्रा पहन के यहाँ से, आप जैसा देख पा रहे होंगे। एंड या मतलब इसकी एंशियंट सिटी तो बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी, मतलब कमाल की थी, लग रही थी। वैसे ये जगह थोड़ी सी ज़्यादा ही भयंकर लग रही थी, मतलब चारों तरफ ये क्या नीला नीला फैला हुआ था। वैसे नीला भी नहीं, ये पता नहीं कौन सा कलर है, मैं नाम भूल गया। अब यहाँ पे कोई च्यवनप्राश का ऐड लेकर मत आ जाना प्लीज़ भाई, पता चलेगा लोग बोलेंगे कि इसे कुछ याद नहीं रहता, इसे च्यवनप्राश खाना चाहिए। लेकिन मुझे च्यवनप्राश की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय च्यवनप्राश। ऐसे इन काली गुफाओं में वार्डन चाचा कभी भी प्रकट हो सकते थे, सो मुझे ध्यान रखना होगा। वैसे मैं यहाँ से गिरने वाला था, मैं पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ।
ओके सो मैंने स्टेयर को लगा दी। बाय द वे आपने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पे वुल लगा हुआ है ग्रे कलर का, सो इसका मतलब वॉर्डन वुल पर चल जो भी हम लोग शोर करेंगे उस आवाज़ को वो वार्डन नहीं सुन सकता है शायद से, इसीलिए चारों तरफ वुल का पाथ बना हुआ है। वैसे कोई बात नहीं, ये है पोर्टल वार्डन वाला। एंड ओके सो मुझे मिल गया वार्डन को प्रकट करने का चीज़। ओके सो वार्डन शायद प्रकट हो रहा है। अंधेरा छाने लगा है, मुझे रतौंधी की बीमारी हो रही है। ओके सो यह बहुत अंधेरा हो गया है, सो अब मुझे छुपना होगा वार्डन चचा से बचने के लिए। वैसे शायद पानी डालने से भी वार्डन चचा को सिग्नल मिलता है, सो मुझे भागना होगा। ओके सो अंधेरा चला गया, सो हमारे वार्डन चचा भी चले गए हैं शायद। वो देखता हूँ कि वार्डन चचा प्रकट होते हैं कि नहीं होते। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये नुबड़े चचा जी आने वाले हैं, वैसे कहीं मैं इसे नुबड़ा बोलकर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ, वो तो बाद ही में पता चलेगा। वैसे अभी अंधेरा हो रहा है, मुझे भागना होगा। वैसे यह चेस्ट है, वाओ स्विफ्ट स्नीक 3 मिल गया है मुझे एंड इंसेंटेड गोल्डन एप्पल, यही तो चाहिए था मुझे। वाह मतलब बहुत अच्छी लूट मिली। ओके सो मैं यहाँ पे छुप जाता हूँ ताकि वार्डन चचा मुझे मार न सके। 2000 years later. ओ वार्डन चचा के दर्शन तो मुझे हुए नहीं एंड मुझे मिल गया फ्री के डायमंड्स। सून को माइन कर लिया मैंने बिकॉज मैं अभी माइनिंग पे था नहीं एंड फ्री में मुझे इतने डायमंड्स मिल रहे थे, सो मैंने अपनी फॉर्च्यून 2-3 की पिकैक्स से उनसे माइन कर लिया एंड बाद में मुझे और डायमंड्स मिल गए, सो उनको भी माइन कर लिया एंड सबको मैंने एंडर चेस्ट में रखते जा रहा था क्योंकि मुझे खौफ था मेरी मौत का जो वार्डन चचू मुझे देने वाले थे। सो एक डायमंड तो मेरा नीचे गिर गया था एंड फाइनली मैंने उसको भी रख दिया था। एंड कुछ देर बाद इस आपा धापी में वार्डन चचू प्रकट हो गए थे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैंने उसे एक एरो मार दी एंड शायद वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि इसके बाद वार्डन चचा को मेरे ऊपर एक भीषण हमला कर दिया, प्रहार कर दिया जिससे मेरी मौत हो सकती थी। पर कुछ देर बाद मैंने जैसे तैसे करके वार्डन चचू को मेरे उस पाउडर स्नो वाले ट्रैप में फंसा लिया जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया। फिर शुरू हुआ वार्डन वध। ओके गाइस सो फाइनली वार्डन मर गया। जी हाँ गाइस वार्डन हमारा मर चुका है। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में बता देना जिससे आपको शाउट आउट मिलेगा एंड वीडियो को अगर यहाँ तक देख रहे हो तो फायर कमेंट करना जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। वेल मुझे मिल चुका है ये चीज़ जिसका नाम पता नहीं क्या है, वार्डन मरने पर यही ड्रॉप करता है। ओके सो या वार्डन तो मर चुका है, सो इसलिए मैं इसको एज अ ट्रॉफी एज अ ड्रैगन एग एज अ बीकन मैं अपने घर की छत पे लगाऊंगा। सो एक सेकेंड में मैं अपने घर पर आ गया एंड मैं अपने घर के सबसे ऊपर वाले छत में इसे लगा कर सेलिब्रेशन टाइप का कर रहा हूँ। सो मैं बहुत खुश हूँ वार्डन के मौत पर। सो या गाइस वेल एक बार और मैं माता के दर्शन आपको करा देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे आज है नवमी रामनवमी, हैप्पी रामनवमी 2023 टू ऑल ऑफ यू एंड या आपको शाउट आउट देने का समय है। तो आज का शाउट आउट जाता है
शारदा प्रसाद यादव और इंदु श्रीवास को। अगर आपको भी चाहिए शाउट आउट तो आप करिए कमेंट में। एंड या गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जिसकी आईडी है @themoodyguy_official। एंड या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। वेल थैंक्स फॉर 400 सब्स। एंड ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट भी कर देना। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।